नैनीताल जिले को भी पीएम मोदी की अमृत भारत स्टेशन योजना का लाभ मिलेगा। 24 करोड़ की लागत से अब लालकुआ रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलेगी, साथ ही परियोजना से पर्यटकों और क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित लालकुआ रेलवे स्टेशन को भी पीएम मोदी के अमृत भारत स्टेशन योजना का लाभ मिला। इस परियोजना से लालकुआ रेलवे स्टेशन पर 24 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेशन का शिलान्यास किया, जिसके बाद अब लालकुआ रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। शिलान्यास कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़े। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत के बड़े रेलवे स्टेशनों के तर्ज पर छोटे स्टेशनों का भी विकास हो, जिससे जनता को सुविधाओं का लाभ मिल सके। से एक इतिहास देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रच दिया है। कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि इस तरह से छोटे छोटे कस्बों में भी हमारे जो स्टेशन है उनका कायाकल्प होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अब हमारी ये स्टेशन तैयार होंगे। जैसे लाल कुआं बहुत छोटा स्टेशन था, यहाँ पर जब हम लखनऊ के लिए जाते थे जब विधायक थे तो उस समय यहाँ पर कोयले से छोटी वाली छोटी गेज की हमारी यहाँ से ट्रेन चलती थी। आज इसका कायाकल्प हो रहा है, जो इंटरनेशनल मानक है, जो लंदन का है, जो अमेरिका का है, जो हमारे चाइना का होगा या हमारे जापान का होगा, फ्रांस का होगा, इटली का होगा, बड़े देशों का, वही मानक आज हमारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उनका श्री गणेश हो गया है, कुछ दिनों में बन के ये तैयार हो जाएगा। ये भी 508 स्टेशन की पहली खेप है। वहीं ADRM राजीव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लालकुआ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास योजना का शिलान्यास किया है, जिसमें अब लालकुआ स्टेशन को चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में शामिल किया जाएगा। इससे बाहरी प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मोदी जी द्वारा जो आधारशिला रखी गई है लालकुआ स्टेशन को पुनर्विकसित किए जाने की, सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें सभी 506 स्टेशनों का एक साथ उन्होंने जो आधारशिला रखी है और ये सभी स्टेशन कनेक्टेड थे। इस योजना में लालकुआ के लिए जो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ही वृहद स्तर पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। हर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर, स्वचालित सीढ़ी हमारे बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए या फिर जो कमज़ोर लोग हैं, इतनी सीढ़ियां जो चढ़ने में उनको परेशानी होती है, हर प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट का प्रावधान किया गया। लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि लालकुआ जैसे छोटे शहर को प्रधानमंत्री ने 24 करोड़ की धनराशि देकर विकास की जो नींव रखी है, उससे हमारे क्षेत्रवासियों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही इस ऐतिहासिक पल के लिए हम सब गवाह बने हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो देश के विभिन्न भागों से रेलवे स्टेशन चुने गए हैं, उसमें लालकुआ रेलवे स्टेशन में भी माननीय इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप इन स्टेशनों के कायाकल्प का, इनके विस्तारीकरण का, इनके सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लालकुआ स्टेशन का भी लगभग 24 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ पर विस्तारीकरण की योजना है। इससे पूरा क्षेत्र न केवल अपना लालकुआ बल्कि पूरा कुमाऊं क्षेत्र, क्योंकि वह कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर होने वाली तमाम नई ट्रेनों के संचालन से, इस स्टेशन के विस्तारीकरण से, स्टेशन में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, वो चाहे एस्केलेटर से हो, चाहे लिफ्ट हो और अन्य वातानुकूलित कक्ष हो, इन सब का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पूरा कुमाऊं का क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।